गुड मॉर्निंग, सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमिता पांडे, कक्षा 10, वीडियो फर्स्ट। छाया मत छूना, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश से हुई थी। उन्होंने MA इंग्लिश, LLB लखनऊ से प्राप्त की और साथ ही उन्होंने शुरुआत में वकालत भी की थी। उनकी मृत्यु सन 1994 में हुई थी। रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के धान, काव्य संग्रह भीतरी नदी की यात्रा, नाटक जन्म कैद आलोचना, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, साहित्यिक विशेषताएं। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। भाषा सरल, सहज और आंचलिक है। कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता के पाठ प्रवेश को पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश में जानेंगे कि कवि क्या बता रहे हैं। इस कविता में छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कवि यहाँ यह कहते हैं कि हमें कभी भी अपने पुराने चीज़ों को, अतीत को याद करके, दुख की बातों को उसमें याद करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए, अपना दुख गहरा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें अतीत के पुराने बातों को याद करते हुए, वो भी दुख के विषय को याद करते हुए, दुखी होने के कारण से वो अतीत के विषय में याद करने से मना कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित, और यह कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख ये दोनों ही एक के बाद एक आते रहते हैं। अब इस कविता की व्याख्या को जानेंगे। छाया मत छूना कविता, जैसा कि हम जानते हैं, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, इन्होंने ही किया था, गिरिजा कुमार माथुर ने। तो अब हम जानेंगे इन्हीं के द्वारा लिखी गई छाया मत छूना कविता। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? छाया मत छूना, मन होगा दुख दुगना। कवि कह रहे हैं कि हमें छाया नहीं छूनी है। अर्थात छाया क्या है, ऐसा प्रश्न आता है कि छाया क्या है। छाया अतीत की सुखद स्मृतियां हैं, जो छलावा है, यानी हमें बीती हुई दिन याद करके बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यह तो छलावा है, भ्रम है, क्योंकि जो बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा। और जो वर्तमान है उसमें भी आप अपना क्षण गंवा रहे हो और निराश बढ़ेगी। यदि हम अपने पुराने चीज़ों को याद करेंगे तो हमारी निराशा जो है वो और बढ़ती जाएगी। इसलिए कवि कह रहा है कि जो वर्तमान में जब भी जीना है, वर्तमान में रहकर जियो। आज जो भी कुछ दुख आपको मिला है वह दुगना हो जाएगा। यदि हम पुराने बातों को सोचेंगे तो और हमारा दुख दुगना होता जाएगा, बढ़ जाएगा, गहरा हो जाएगा। इसलिए कवि कह रहा है कि अतीत के यादों में खोना नहीं, अतीत के यादों में खोने से मना कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। जीवन में है सुरंग, सुधियां सुहावनी। सुरंग जिसका अर्थ होता है रंग बिरंगी, सुधियां स्मृति। तो कवि क्या कह रहे हैं, जो बीत चुका है और जब हम उसे याद करते हैं तो वह हमें स्मृतियां रंग बिरंगी सुहावनी लगती है। अगली पंक्ति। छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी। जब हम कुछ भी याद करते हैं तो एक एक करके हमें सब कुछ याद आने लगता है। इसलिए कवि ने जो पल अपने प्रियसी के साथ बिताए थे वह सब उसे याद आने लगते हैं। अगली पंक्ति। तंग सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी अर्थात रात, शेष बचा हुआ। तो कवि कह रहे हैं कि जो हमारी पुरानी यादें हैं वह अभी बची हुई हैं, रातें बीतती जा रही हैं। कुंतल के फूल की याद बनी चांदनी। तो कवि अपने अतीत के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके लिए जो कुंतल के फूलों की याद थी, वह कुंतल एक फूल का नाम है, तो वह अभी भी उनके सामने फैली हुई है और वह अभी भी उन कुंतल के फूलों को याद करते रहते हैं। यह पंक्ति यहीं पर समाप्त होती है। शेष भाग
पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 10, वीडियो सेकंड। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हमने गिरिजा कुमार माथुर के जीवन परिचय के विषय में और कुछ पंक्तियां पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे अगली पंक्ति, वीडियो सेकंड। कक्षा 10, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छुअन एहसास। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं, छाया मत छूना, मन होगा दुख दुगना। कवि कह रहे हैं कि वह एहसास मुझे हर एक पल जीवित रखता है। अपने अतीत के यादों को याद मत करो, नहीं तो तुम्हारा मन और दुखी हो जाएगा। अगली पंक्ति, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। कवि क्या कह रहे हैं, यश प्रतिष्ठा वैभव सरमाया। तो कवि कह रहे हैं कि न तो उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए और न उन्हें कोई खजाना चाहिए, न ही उन्हें कोई लालच है। अगली पंक्ति, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरसाया। कवि कह रहे हैं कि तू जितना ही दौड़ते जाओगे, तुम जितना भी दौड़ते जाओगे, अतीत की यादों को याद करते जाओगे उतना ही थक जाओगे। कहने का तात्पर्य है कि अतीत की बातों को याद मत करो, नहीं तो याद करोगे तो और थक जाओगे। अगली पंक्ति, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग शरण कृष्णा है। तो कवि उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम प्रभु को हर एक चीज में ढूंढते हैं, लेकिन वह हमें कभी मिलते नहीं है और हमारी सिर्फ इच्छा ही बनी रहती है। तो इसलिए इसी प्रकार हम अपने अतीत की याद को याद करते हुए और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगली पंक्ति, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कवि चंद्रिका सुख। तो कवि कह रहे हैं कि हर सुख के बाद दुख आना तय होता है, जिस प्रकार हर एक चांदनी रात के बाद काली रात छिपी होती है। सही बात है। अगली पंक्ति, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, दुख होगा दुगना। तो यथार्थ आज पूजन स्वीकार करना, कवि कह रहे हैं कि जो आज है तुम उसे स्वीकार करो, अतीत को याद मत करो, नहीं तो तुम्हारा मन और दुखी हो जाएगा। दुविधा हद साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि कह रहे हैं कि उनके पास दुविधा है, साहस है, वीरता भी है, लेकिन रास्ता नहीं है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगली पंक्ति, देख सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कह रहे हैं कि उन्हें देखने से लगता है कि वह बहुत खुश हैं, लेकिन उनके मन के अंदर दुख है, उसका कोई भी अंत नहीं है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, शरद रात चांदनी रात। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे दुख के सामने तो ऐसा लग रहा है जैसे शरद रात आने पर भी चांद न खिले। अगली पंक्ति, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। क्या हुआ जब बसंत ऋतु के जाने के बाद खिला, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो तुझे मिला नहीं उसे उसको भूल जा और आने वाले कल को स्वीकार कर, छाया मत छूना, दुख होगा दुगना। कि अतीत की बातों को याद मत करो, नहीं तो तुम्हारा दुख और दुगना होता जाएगा। यह कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कविता से संबंधित 2 वीडियो हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। धन्यवाद।